इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊं, यानी कि जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इंस्ट्रक्टर की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी दी गई है, क्लर्क प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए वीडियो कम्प्लीट जरूर देखेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो RRB रेलवे की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप कम से कम 10वीं पास है तो आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो इस भर्ती की होगी, यहाँ पर बिना परीक्षा के भर्ती आयो, यानी कोई आपको यहाँ पर रिटेन एग्जाम भी इस भर्ती में नहीं होगा। आवेदन आपको किस प्रकार से फिल करना है, कहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो कम्प्लीट जरूर देखेगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB की ओर से ये भर्ती चलेगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो पोस्ट नेम रहेगा तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। टोटल आपको यहाँ पर 4 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए होगी, जो सेकंड वैकेंसी होगी यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के लिए होगी, क्लर्क और हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन में 2 वैकेंसी मिलेगी और दूसरे नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लर्क और हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो रहेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 9,300 से लेकर 14,800 रुपये पर मंथ तक का पे स्केल रहेगा। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि जनरल, OBC, SC, ST सभी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम इस भर्ती के लिमिट की बात करें, 18 ईयर से लेकर 52 ईयर के बीच में अगर आप किए जाए तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2020 को की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त को आपके जिन्हें तो 18 से कम हो, न 52 से ज़्यादा हो। और अगर आप SST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलेगी। OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। जो इस भर्ती का फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। हाइट, वेट, रनिंग यहाँ पर आप कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सीधी भर्ती यहाँ पर आपके लिए आई हुई है। अगर आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, आपके पास फोटो होना चाहिए, लाइट कलर का उसका बैकग्राउंड होना अनिवार्य है। एजुकेशन के सभी डिटेल, यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है, सभी की जीरोक्स आपके पास होना अनिवार्य है। डोमिसाइल, कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यानी कि एक ID प्रूफ भी आपके पास होना अनिवार्य है। इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, वैसे तो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर 10वीं पास भी किया हुआ है तो अटेंडेंट वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 10वीं पास भी आपको वैकेंसी मिल जाएगी, 10वीं ग्रेजुएशन, 12वीं कुछ भी किया हुआ तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में ही बता पाऊंगा। जो इस भर्ती की यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए, और सभी वैकेंसी के लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट होगा, यानी कि जो भी आप इनके पास डॉक्यूमेंट लगाएंगे उन्हीं के आधार पर आपको यहाँ पर मेरिट में रखा जाएगा। यानी कि फाइनल सिलेक्शन जो आपका रहेगा मेरिट बेस्ड रहेगा। अगर आप हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करना, क्योंकि इस भर्ती के जो आवेदन अभी तक ऑफलाइन ही शुरू हुए हैं, यानी कि ऑनलाइन अभी तक यहाँ पर इस भर्ती के आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है, यह इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए होगा। आपको यहाँ पर फोटो लगाना है और अपनी सभी जानकारी फिल कर देनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन करना है, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो पर 500 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा।
अब बात रहे यहाँ पर जो क्लर्क की वैकेंसी होगी और अटेंडेंट की वैकेंसी होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। और अगर आपको इंस्ट्रक्टर पोस्ट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपके सामने ये वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसमें जो इंस्ट्रक्टर की पोस्ट होगी इसमें यहाँ पर 4 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। क्लर्क वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अब आपको यहाँ पर इस पेज पर आने के बाद सभी रीड कर लेने, जानकारी करने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर लिखा हो क्लर्क नोटिफिकेशन, आप यहाँ से क्लर्क भर्ती का नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात रही यहाँ पर जो भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। 17 अगस्त 2020 से भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 16 सितंबर 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। जो हम आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद आपको इस वाले एड्रेस पर सेंड करना होगा। आप यहाँ पर पोस्टल एड्रेस भी चेक कर पाएंगे, यानी कि जो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि आपको जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है आपको ये फिल करना है। फिल करने के बाद आपको इस वाले एड्रेस पर सेंड करना होगा। ये जो एड्रेस है इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए एड्रेस दिया गया है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।